गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 30 ऑफ योर यूनिट 7, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा आज हम आपके ग्रुप 17 का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज योर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो अगर हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो आपका हेलोजन क्या है? हेलोजन मीन्स आपका कोई एक एलिमेंट का नाम नहीं है, हेलोजन एक फैमिली है। और फैमिली किसकी? ग्रुप 17 एलिमेंट्स की एक फैमिली को हम हेलोजन कहते हैं। तो जब आपके ग्रुप 17 की ग्रुप 17 फैमिली के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ही कंपाउंड बनाए, मतलब अपने जैसे के साथ ही कंपाउंड बनाए, यानी कि अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही कंपाउंड बनाए, उन्हें हम कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बेटा कि आपके ग्रुप 17 किस किस टाइप के आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड बना सकते हैं, तो आपके चार टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट इज एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 एंड लास्ट इज एक्स एक्स डैश 7। ठीक है, ये चार तरीके के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं आपके ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अगर यहां बात करें तो बेटा आपका एक्स जो है हमेशा लार्ज साइज एटम होगा, मतलब हेलोजन में लार्ज साइज जो होगा वो एक्स प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सेकंड एक्स डैश की बात करें तो स्मॉल साइज आपका एलिमेंट, या हम कहेंगे स्मॉलर साइज एटम, हेलोजन में से लार्जर हेलोजन आपका एक्स प्लेस ऑक्यूपाई करेगा और आपका स्मॉलर साइज हेलोजन एटम आपका एक्स एक्स डैश ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर आपकी लार्जर साइज हेलोजन एटम है, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? दो चीज आपको देखनी है, पहली साइज और दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड चीज आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो लार्जर साइज एटम है एक्स, लार्जर साइज हेलोजन एटम है, दैट मीन एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हम कह सकते हैं इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स डैश के कंपेयर में लेस होगी। नेक्स्ट अगर बात करें एक्स डैश की, तो क्योंकि एक्स डैश आपका क्या है? स्मॉलर साइज एटम है, तो स्मॉलर साइज हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेटा बहुत सारे हर एक हेलोजन आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है, तो उसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि एक्स की जगह हम वो हेलोजन रखेंगे जिसका साइज कंपेरेटिव टू एक्स डैश लार्जर हो। ठीक है, जिसका साइज कंपैरेटिव टू एक्स डैश क्या हो? लार्जर हो। और दूसरी चीज क्या है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस हो एज कंपेयर टू एक्स डैश। एक्स डैश की जगह अब यहां लार्जर साइज एटम है, तो एक्स डैश की जगह क्या आएगा? इसके जगह स्मॉलर साइज एटम होगा, क्योंकि स्मॉलर साइज एटम है, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एज कंपेयर टू एक्स। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी है इंटर हेलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते टाइम। तो हम कह सकते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ formed by the reaction of different halogens with each other, different halogen with each other। ठीक है बेटा, तो ये आपका इंटर हेलोजन बात हो गई। अब हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से हेलोजन किस किस टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की लिस्ट देखें कि आपके ग्रुप 17 में किस किस टाइप के इंटर हेलोजन फॉर्म होते हैं, तो देखो दिस इज योर एक्स एक्स डैश, सेकेंड इज एक्स एक्स डैश 3, थर्ड इज एक्स एक्स डैश 5, फोर्थ इज एक्स एक्स डैश 7।
ठीक है। यहां पे अगर हम बेटा एक्स यानी कि जो आपका मेजर हेलोजन है, मेजर जो होगा आपका एक्स होगा, ठीक है, इसी के कंपैरेटिव हम सारी चीजें देखेंगे। तो मेजर हेलोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपका प्लस वन होगा, इस केस में प्लस थ्री होगा, इस केस में प्लस फाइव होगा और इस केस में प्लस सेवन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, तो हम यहाँ पे x देख रहे हैं, हम फिक्स कर देंगे, मान लो f आपका x, x की अगर हम x आपका f होगा तो आपका f किस किस के साथ कंबाइन होके इंटर हेलोजन कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब x की जगह आप f रखोगे तो क्योंकि अभी हमने देखा था कि x क्या होना चाहिए, लार्ज साइज एटम होना चाहिए हेलोजन एटम, प्लस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, लार्ज साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए एज कंपेयर टू एक्स डैश, ये दो चीजें देखनी है। अब बेटा अगर आप एक्स की जगह फ्लोरीन रखते हो तो फ्लोरीन ना ही तो लार्ज साइज एटम है, ठीक है, ना ही आपका उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू एक्स डैश कम होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसीलिए फ्लोरीन कभी भी एक्स की जगह नहीं रखा जाएगा, इसीलिए ना ही तो फ्लोरीन कभी भी एक्स की जगह नहीं रखा जाएगा, तो आपका एफ एक्स डैश कभी नहीं बनेगा, आपका एफ एक्स डैश थ्री भी कभी नहीं बनेगा, आपका एफ एक्स डैश फाइव भी कभी नहीं बनेगा। व्हाई आई एम सेइंग एक्स डैश के की प्लेस पे आपका और कोई भी हेलोजन हो सकता है अदर देन फ्लोरीन, ठीक है, इसीलिए आपका एक्स यानी कि एफ एक्स की जगह आप फ्लोरीन रखते हो तो एफ एक्स सेवन भी कभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि x की जगह आपको हमेशा लार्ज साइज एटम रखना है प्लस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए, लार्ज है यानी कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू x डैश। और आपको पता है सारे ही हेलोजन में और इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में है, आपका जो फ्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर का है, ठीक है, तो x की जगह वो कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो बेटा अगर आप क्लोरीन को रखते हो क्योंकि फ्लोरीन से तो बड़ा साइज का है, तो अगर यहाँ पे आप क्लोरीन रखते हो तो क्लोरीन अगर x की जगह रखा जाएगा तो x डैश क्या क्या हो सकता है, x डैश क्या होना चाहिए, स्मॉलर साइज का होना चाहिए एज कंपेयर टू x एंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए एज कंपेयर टू योर x। तो अगर आप यहाँ रखो क्लोरीन रख सकते हो, ठीक है, क्लोरीन से छोटा साइज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एक ही बनता है, ठीक है, तो आज आपका x x डैश क्लोरीन सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाएगा दैट इज CLF। नेक्स्ट अगर ब्रोमीन की बात करें कि अगर आप x की जगह ब्रोमीन रखते हो Br, तो ब्रोमीन से छोटे साइज का x डैश होना चाहिए, तो ब्रोमीन से छोटा साइज आपका क्लोरीन भी है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से कम भी है। नेक्स्ट आपका BrF भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां बात करें आपकी आयोडीन की, अगर आप x की जगह आयोडीन रखो तो आपका आई एफ आयोडीन फ्लोरीन के साथ भी बनाएगा, आयोडीन क्लोरीन के साथ भी बनाएगा क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा साइज में है अमोंग हेलोजन, तो उससे छोटा आपका फ्लोरीन भी होता है। x डैश की जगह अगर आप फ्लोरीन रखो, आयोडीन आप x की जगह रखो, तो आपका क्लोरीन के साथ भी बनाएगा, ब्रोमीन के साथ भी बनाएगा। बट यहाँ पे एक चीज है कि ये वाला एट रूम टेम्परेचर आई एफ हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए बनते ही टूट जाता है। रीजन क्या है, आपका हेलोजन इतना बड़ा, ठीक है, और आपका सॉरी आयोडीन इतना बड़ा और फ्लोरीन आपका इतना छोटा, ठीक है, तो आपका साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण आपका इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनता और इवन रूम टेम्परेचर पे ही आपका टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स एक्स थ्री डैश की, ठीक है, एक्स एक्स डैश थ्री की बात करें तो फ्लोरीन तो एक्स की जगह कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर क्लोरीन की बात करें बेटा, तो क्लोरीन अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ एक्स की जगह क्लोरीन रखू और एक्स डैश क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है,
फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन तो उससे ज्यादा उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बट या और साइज में भी बड़ा हो गया, और एक्स डैश की जगह हम हमेशा स्मॉलर साइज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही रखते हैं एज कंपेयर टू एक्स। तो यहाँ पे आपका Cl(F3) बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे ब्रोमीन के केस में, अगर आप एक्स की जगह ब्रोमीन रखो, ठीक है, तो ब्रोमीन के केस में आपका BrF3 बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रोमीन अगर है आपका एक्स की जगह तो Fx-3 क्या हो सकता है, उससे स्मॉल साइज में फ्लोरीन है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, BrCl3 हो सकता है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में साइज का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक ब्रोमीन अपने अराउंड 3 क्लोरीन एटम अकोमोडेट नहीं कर पाता, बट यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन में काफी ज्यादा साइज डिफरेंस है, इसीलिए वो इजीली, ब्रोमीन लार्जेस्ट साइज का है तो वो इजीली 3 छोटे एटम फ्लोरीन के अराउंड अपने आसानी से अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो आपका ये नहीं फॉर्म होगा। नेक्स्ट अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन से छोटा आपका IF3, ठीक है, आयोडीन से छोटा आपका ICl3 और आयोडीन से छोटा आपका IBr3, ठीक है, बट IBr3 जो है आपका नहीं बनता, ठीक है, IBr3 नहीं बनता। वही रीजन, ये इतना भी बड़ा साइज में नहीं है कि 3 अकोमोडेट कर सके अपने अराउंड, बट क्लोरीन को कर सकता है क्योंकि क्लोरीन और आयोडीन में बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ICl3 जो है ये भी आपका अनस्टेबल ही होता है रूम टेम्परेचर पे, बट IBr3 तो बनता ही नहीं है। ICl3 रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसीलिए डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट, ये आपके ऐसे ही दो मॉलिक्यूल साथ में अटैच होके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, I2Cl6, दैट इज डाइमेरिक फॉर्म में ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट X-5 की बात करें तो क्लोरीन से छोटा आपका फ्लोरीन, बट क्योंकि इतना भी ज्यादा साइज डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्लोरीन 5 फ्लोरीन अपने अराउंड अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सॉरी क्लोरीन की बात हो रही है तो हाँ है, क्लोरीन भी बनाता है F5, सॉरी बेटा, ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन भी आपका क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ तो बनाता ही है BrF5, बट क्लोरीन के साथ नहीं बनाता ये, ठीक है, क्योंकि जब ये ब्रोमीन अब 3 अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, 3 क्लोरीन अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, उसने BrCl3 नहीं बनाया तो Cl5 कैसे बनाएगा, ठीक है। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आपका IF5 ही बनाता है, ठीक है। X-7 की बात करें तो क्लोरीन आपका नहीं बनाता, 7 अकोमोडेट नहीं कर पाता, 5 तक अकोमोडेट कर पा रहा है बट ये अपने अराउंड 7 अकोमोडेट नहीं कर पाता, ठीक है। ब्रोमीन भी अकोमोडेट नहीं कर पाता 7, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन तो वो 3 ही अकोमोडेट नहीं कर पाता तो 7 कैसे करेगा। आयोडीन की बात करें तो सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा हेलोजन है जो अपने अराउंड 7 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है, क्लोरीन को नहीं कर सकता, ब्रोमीन को नहीं कर सकता, बट वो फ्लोरीन को कर सकता है अपने अराउंड इजिली, यहां देखो इजिली अपने अराउंड फ्लोरीन 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 आराम से अकोमोडेट कर सकता है 7 एटम, ठीक है, 6 हो गए, एक और लगा लो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये चीज आपको याद रखनी है कि फ्लोरीन कौन से इंटर हेलोजन बनाता है, क्लोरीन कौन सा बनाता है, ब्रोमीन कौन सा बनाता है, आयोडीन कौन सा बनाता है। यहां पे एक क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज IF7 एग्जिस्ट बट Cl(F7) डू नॉट एग्जिस्ट। यहां से इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि IF7 एग्जिस्ट करता है बट Cl(F7) एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका रीजन क्या है, आयोडीन और फ्लोरीन में बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस है, ठीक है, तो साइज डिफरेंस होने के कारण आयोडीन बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा
छोटा है तो वो इजीली आयोडीन अपने अराउंड 7 फ्लोरीन एटम्स को अकोमोडेट कर पाता है, ठीक है। बट आपका फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर बात की जाए, फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, फ्लोरीन के जस्ट बाद क्लोरीन आता है, इसीलिए वो अपने अराउंड 7 फ्लोरीन, क्लोरीन अपने अराउंड 7 फ्लोरीन अकोमोडेट नहीं कर पाता, इसीलिए आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। तो बेटा इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वाई आपका IF7 एग्जिस्ट बट BrF7 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वाई ICl3 एग्जिस्ट बट BrCl3 डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपके इंटर हेलोजन की प्रिपरेशन, ठीक है, तो देखो, तो बेटा अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो दो तीन फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया जाता है, मतलब दो तीन मेथड्स यूज किए जाते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही मेथड दिया है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला आपका, या हम कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रिपरेटिव मेथड है, दैट इज थ्रू डायरेक्ट मेथड में आपका क्या होता है कि हम दो अलग अलग हेलोजन्स को आपस में डायरेक्टली रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो मान लो आपका ये I2 है, I2 क्यों लिखा है, क्योंकि आपके जितने भी हेलोजन हैं डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं रिएक्ट करवाती हूं एक्सेस ऑफ F2 से, ठीक है, मैं यहां पे आपका एक्सेस ऑफ F2 से रिएक्ट करवाती हूं तो यहां पे आपका बनेगा 2IF3 अगेन। और कैसी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है, सेम I2 को जब मैं यहां पे 5F2 से रिएक्ट करवाती हूं तो 2IF5 बनेगा, ठीक है। I2 को अगर मैं आपका 7F2 से रिएक्ट करवाती हूं तो 2IF7 बनेगा। सेम आप क्लोरीन का ले सकते हो, क्लोरीन को जब आप Cl2 को जब आप F2 से रिएक्ट करवाते हो तो सेम आपका वही है, ClF बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका Br को, तो आप कोई भी इंटरहेलोजन कंपाउंड बना सकते हो जो भी आपके पॉसिबल है, ठीक है, तो आपका BrF5 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा Br2 F2 के साथ भी रिएक्ट करके आप 2BrF3 बना सकते हो, ठीक है। यहां पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं, मतलब फ्लोरीन में हम वाटर ऐड करके तब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आपका ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन के और भी आप करवा सकते हो, या हम कहें आप I2 को Br से भी रिएक्ट करवा के Br3 से भी I2Br3, इस टाइप के आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना डायरेक्टली, क्या है आपने क्या किया, डायरेक्ट जिन भी दो आपको हेलोजन्स के कंपाउंड बनाने हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाने हैं, उनको हमने डायरेक्ट हीटिंग की है, ठीक है, और उस हीटिंग से आपका डायरेक्टली इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाया। सिर्फ यहाँ पे मेन कंसेप्ट आपको याद ये रखना है कि जो फर्स्ट आपका जो मेजर हेलोजन होगा, यानी कि एक्स जो होगा, वो हमेशा लार्जर साइज का होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स डैश, ठीक है। लार्जर साइज का होगा यानी कि लो रिएक्टिविटी हो, लो आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एज कंपेयर टू एक्स डैश, ठीक है। लार्जर साइज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू एक्स डैश स्मॉलर साइज में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम आपकी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, पूरा एक टेबुलर फॉर्म में करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो देखो, तो बेटा नेक्स्ट अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें कि ये जो आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड है इनका फिजिकल स्टेट कैसा है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम X डैश वाले इंटर हेलोजन की बात कर लेते हैं, दैट इज सबसे पहले आपका ClF, ठीक है। ClF जो है आपका एक कलरलेस
गैस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सीएलएफ के बाद बीआरएफ, तो बेटा बीआरएफ जो है आपकी, ये हम पहले आयोडीन का ले लेते हैं, चलो बीआरएफ ही ले लेते हैं। ये एक आपकी ब्राउन कलर की गैस है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, इसीलिए ये एक आपकी ब्राउन कलर की गैस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईएफ, तो आईएफ जो है आपका, अभी हमने पढ़ा था आईएफ आपका हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तुरंत टूट जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आईसीएल की बात करें, तो बेटा आपका आईसीएल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला आपका अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा हमने देखा था सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है आपकी, तो आईसीएल आपका अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फा फॉर्म सॉलिड, अल्फा फॉर्म सॉलिड, ठीक है। अल्फा फॉर्म सॉरी बीटा फॉर्म सॉलिड, अल्फा फॉर्म का कलर होता है रूबी रेड, ठीक है, सॉलिड है रूबी रेड कलर का होगा, ठीक है। बीटा फॉर्म का आपका होता है ब्राउनिश रेड, ब्राउन रेड कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आईबीआर की बात करें, तो बेटा आईबीआर आपका ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर की गैस होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं आपका ब्लैक ब्लैक ब्लैकिश रेड होता है, ठीक है, तो आप ब्लैक कलर की गैस ही लिख लो, ठीक है। तो ये आपके हो गए एक्स एक्स डैश इंटरहेलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स एक्स डैश थ्री टाइप इंटरहेलोजन कंपाउंड, तो सबसे पहले सीएल का लिया है हमने, सीएलएफ थ्री, CLF3 आपका एक कलरलेस गैस है इस केस में भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आपका BRF3, तो बेटा BRF3 आपकी एक येलोइश येलोइश गैस होती है, सॉरी येलोइश कलर्ड, साइज इंक्रीज हो रहा है, येलोइश कलर्ड लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयोडीन IF3 आपका येलोइश सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आई आई थ्री हो गया, आईसीएल थ्री आपका होता है ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ऑरेंज सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां देखें आपका एक्स एक्स डैश फाइव के बाद, ठीक है, तो आपका क्लोरीन CLF5 बनाता है, क्लोरीन एक आपका कलरलेस गैस है, बट एट 77 या हम कहेंगे बट बिलो 77 कैल्विन ये आपकी सॉलिड बन जाती है, बिकम सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बी आर एफ फाइव एग्जिस्ट करता है, बी आर एफ फाइव आपका एक कलरलेस लिक्विड है। नेक्स्ट आपका आई एफ फाइव एग्जिस्ट करता है, वो भी आपका एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। और आई एफ सेवन की बात करें, दैट इज एक्स एक्स डैश सेवन टाइप, यानी कि इसमें एक ही एग्जिस्ट करता है आई एफ सेवन, तो आई एफ सेवन भी आपका एक कलरलेस गैस होती है, ठीक है बेटा। तो ये आपके कुछ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स देखे, जिनकी फिजिकल स्टेट देखे, यहां पे तो आप ऐसे याद रख लो कि सारे ही आपके कलरलेस कंपाउंड है, सिर्फ सीएल फाइव यानी कि क्लोरीन के साथ जितने भी आपके हेलोजन्स बन रहे हैं, इंटरहेलोजन कंपाउंड बन रहे हैं, सारे ही कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, ठीक है। और रिमेनिंग आपके X-5 वाले जितने भी हैं, रिमेनिंग दो ही हैं, ये आपके कलरलेस
लिक्विड हो गए, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल स्टेट की बात हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, दैट इज द ज्योमेट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो आप सोचोगे कि इतने सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इतने सबकी ज्योमेट्री और शेप याद करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बेटा बहुत आसान है, एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप निकालते जाओ सबकी शेप और सबके आपको ज्योमेट्री पता चलती जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक आपकी क्या है, मान लो आपका एक्स एक्स डैश टाइप है, ठीक है। पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। पहला आपको लेना है मेजर, हम इसको एक्स को ही लेते हैं तो इसी की बात करेंगे, मेजर हेलोजन यही है आपका, ठीक है। तो यानी कि पहला हमें लेना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स, ठीक है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक्स में, प्लस नंबर ऑफ एक्स डैश एटम, जितने एक्स डैश एटम है, जैसे हमने इसमें एक है, किसी में हमने थ्री लिया है, किसी में फाइव लिया है, किसी में सेवन लिया है, तो नंबर ऑफ एक्स डैश एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एक्स एक्स डैश बॉन्ड। यानी कि एक एक्स एक्स डैश बॉन्ड के बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको डिवाइड कर दो टू से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी तो उससे बेस्ड आपकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और ज्योमेट्री से आपको पता चल जाएगा शेप क्या होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले आपका ले लेते हैं, दैट इज एक्स एक्स डैश, ठीक है। एक्स एक्स डैश की बात करें बेटा, तो देखो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एक्स, एक्स में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन में तो सात ही होते हैं सेवन, प्लस नंबर ऑफ एक्स डैश एटम, यहां पे एक्स डैश एटम कितने हैं, एक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो देखो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, एक्स एक्स 7 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर हम कहे कि आपका एक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स डैश के साथ शेयर कर रहा है और आपका एक्स डैश अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, मैं बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं कह रही हूं, सिंगल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम तो टू होते हैं, बट यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अगर आप यहां से देखते हो तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर रहा है, यहां से देखते हो तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एक्स डैश एक्स एंड एक्स डैश, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स एक्स डैश में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, चाहे आप किसी भी तरफ से ले रहे हो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वन डिवाइडेड बाय टू, तो टोटल आपका कितना आता है, सेवन प्लस वन एट, एट डिवाइडेड बाय टू दैट इज फोर, ठीक है। फोर की आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, फोर मीन्स आपके ये फोर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, फोर आपके क्या है, आपको फोर निकल गया इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें तो एक्स एक्स डैश के साथ एक बॉन्ड पेयर बना रहे, तो फोर में से एक बॉन्ड पेयर बन गया, वन बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर है, प्लस फोर में से बाकी बचे हुए, एक तो बॉन्ड पेयर बन गया साफ दिख रहा है, एक्स एक्स डैश ने सिंगल बॉन्ड बनाया इसके साथ, बाकी बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तीन लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आपको पता चल गया एक बॉन्ड पेयर है, तीन लोन पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन फोर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन बात देखें तो आपकी क्या होगी, एस पी थ्री, ठीक है, तीन पी ऑर्बिटल एक एस, ठीक है, टोटल आपके चार ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ने आपका बॉन्ड बना लिया एक्स के साथ, बाकी क्या बोलते हैं, तीन ऑर्बिटल जो है आपके उनमें क्या है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है।
तो ये आपकी हो गई हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर ज्योमेट्री की बात करें तो बेटा आपकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग निकलती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री आपकी क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और अगर शेप की बात करें तो बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर, यहां जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए वो शेप टेट्राहेड्रल ना होके डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो यहां शेप जो होगी आपकी क्या होगी? लीनियर शेप होगी। लीनियर शेप कैसे? ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया। नेक्स्ट आपके 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। ठीक है, हम एक्स का मेजर ले रहे हैं, एक्स की ही बात कर रहे हैं। एक्स में तो आपका सेंट्रल एटम मान के चल लो इसको, चाहे तो सेंट्रल एटम में कितने हैं? 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चौथा आपका बॉन्ड पेयर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेप देख सकते हो क्या है, लीनियर है। ये तो आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसकी शेप जो होगी वो लीनियर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही पे लिख लेती हूँ, सेकेंड भी आपका एक्स एक्स डैश 3। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो देखो बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स, एक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस नंबर ऑफ एक्स डैश एटम कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एक्स एक्स डैश, एक एक्स एक्स डैश में एक ये एक्स और ये एक्स, 3 एक्स है। ठीक है, एक एक्स एक्स डैश में अभी मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है यानी कि 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 7 + 3 = 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 5 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, जिनमें से देखो एक्स कितने बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, 1, 2, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि इनमें से आपके 3 तो होंगे बॉन्ड पेयर, प्लस जो बचे 5 में से 3 बॉन्ड पेयर होंगे, बच गए कितने? 2 आपके लोन पेयर। ठीक है, 2 आपके लोन पेयर होंगे। नेक्स्ट अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, हाइब्रिडाइजेशन होगी। 4 तक तो आपकी sp3 थी, तो 5 में होगी sp3d। ठीक है, नेक्स्ट अगर ज्योमेट्री की बात करें तो बेटा sp3d की ज्योमेट्री आपकी क्या होती है? दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d की ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। शेप की अगर बात करें तो शेप जो है आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से हटके लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई है और आपकी बन गई है बेंट टी शेप। ठीक है, कैसे? यहां देख लेते हैं, देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो एक्स ये ट्राइगोनल 1, 2, ठीक है, 3 ट्रायंगुलर बन गया, एक पिरामिड ये, एक पिरामिड ये आपका ट्रायंगुलर बन गया है, एक पिरामिड ये, ठीक है, पिरामिड शेप बनाएगा इनके साथ बॉन्ड करोगे तो। ठीक है, और एक पिरामिड आपका ये, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, आपके सिर्फ क्या है बेटा, यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर आपके, ये आपका 3 बॉन्ड पेयर आपका, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, ठीक है, और यहां पे आपके प्रेजेंट होते हैं ये इस तरीके से 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये आपका एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश। तो यहां अगर शेप देखो तो टी शेप थी, बट इन लोन पेयर्स की वजह से आपका क्या हो गया, लोन पेयर रिपल्शन होगी, इनके बीच में रिपल्शन होगी, देन ये इसको रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड थोड़े से इस तरीके से ना प्रेजेंट होके इस तरीके से प्रेजेंट होंगे एक्स डैश। ठीक है, तो आप देख सकते हो टी शेप थी पहले और टी थोड़ी सी बेंट हो गई है लोन पेयर रिपल्शन के कारण। ठीक है, इसलिए इसकी शेप होगी बेंट टी शेप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपकी एक्स एक्स डैश 5 की बात करें तो देखो नेक्स्ट देखिए, दैट इज एक्स एक्स डैश 5
तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स 7, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एक्स डैश कितने हैं, 5 है, ठीक है। एक एक्स डैश में कितने, एक्स एक्स डैश में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, तो 7 प्लस 5 कितने होते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6। 6 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में अगर बात की जाए तो देखो बेटा, x जो है 1 2 3, मैं रफली सा बता रही हूं आपको, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 आपके एक्स डैश है, यानी कि 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 4 5 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 5 तो आपके बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 5 बॉन्ड पेयर होंगे, बचा आपका एक लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन 5 के केस में आपकी क्या थी, sp3d, तो 6 के केस में एक d और बढ़ा दो, एक और ऑर्बिटल बढ़ा दो, d2। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल, और अगर शेप की बात करें तो क्योंकि यहां लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप ऑक्टाहेड्रल तो हो नहीं सकती, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होगी। तो ऑक्टाहेड्रल अगर हम शेप देखें तो ये आपका एक्स, ये एक्स डैश, एक्स डैश, एक्स डैश, एक्स डैश, ठीक है, ये आपका, और यहां एक एक्स डैश, और यहां आपका लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम शेप देखें तो शेप आपकी कैसी हो गई है, ऑक्टाहेड्रल से डिस्टॉर्टेड हो गई है, क्योंकि यहां लोन पेयर प्रेजेंट है। तो शेप कैसी हो गई, अब ये आपका स्क्वायर हो गया है और एक आपका पिरामिड हो गया है, इस तरीके से अगर आप देखो तो आपकी शेप जो है कैसी बन गई, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज एक्स एक्स डैश 7, एक्स एक्स डैश 7 की बात करें बेटा तो एक्स में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 मल्टी प्लस नंबर ऑफ एक्स डैश एटम 7, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक एक एक्स एक्स डैश बॉन्ड में एक, ठीक है, साथ में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 2, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7, 7 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक है। तो एक्स के एक्स एक्स डैश 7 है, यानी कि 7 एक्स डैश के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि आपके 7 बॉन्ड पेयर्स हो गए। अब कितने बचे, 7 थे इलेक्ट्रॉन पेयर, 7ों के 7 तो आपके बॉन्ड पेयर है, एक भी आपका लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। तो यहां पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में आपकी sp3d2 थी, तो साथ में एक और ऑर्बिटल बढ़ा दो, दैट इज sp3d3, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री आपकी होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई लोन पेयर यहां प्रेजेंट नहीं है तो आपकी जो शेप है डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, तो शेप और ज्योमेट्री दोनों ही यहां पे क्या होगी, आपकी पेंटागोनल बाय पिरामिड ही रहेगी, ठीक है। तो ये और शेप एंड ज्योमेट्री की बात हो गई। नेक्स्ट आपकी कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज है, उनको और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो दीज ऑल, या हम कहें ऑल इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर, ऑल इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे ऑल आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि कोई आपका क्या नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रॉपर बॉन्डिंग हो रही है यहां पे, ठीक है, कोई आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स दैट इज दे डू नॉट शो
शो एनी मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइज बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर पेरेंट हेलोजन, पेरेंट हेलोजन। इसका मतलब क्या है कि आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही किसके बीच में आएगा, किसके बीच में लाए करेगा, जिन पेरेंट से, जिन हेलोजन से वो मिलके बना है। मान लो आपका क्या है, मान लो हमने फ्लोरीन ले लिया है, F2 ले लिया है, यहाँ पे हमने I2 ले लिया है, ठीक है। तो मान लो आपकी इसकी 110 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है, ये आपका मान लो आपका जस्ट सपोज कह रही हूँ 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, तो इंटर हेलोजन जो आपका IF जो बना है, इंटर हेलोजन कंपाउंड का हमेशा इस रेंज के बीच में आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑलवेज लाई बिटवीन द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर पेरेंट हेलोजन। पेरेंट हेलोजन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है उस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ आपका है, दे आर हाईली रिएक्टिव। आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होते हैं, दैट इज या हम कहे इंटर यहां पूरा ही लिख देती हूं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव देन ऑल अदर हेलोजन्स। सारे जितने भी हेलोजन्स हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट F2। सिर्फ फ्लोरीन से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, यानी कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो F2 यहां पे, देन आपके इंटर हेलोजन की रिएक्टिविटी आती है, देन आपकी Cl2 की, देन आपकी Br2 की, देन आपकी I2 की, ठीक है। अब क्या है बेटा, इनकी रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा हाई है, फ्लोरीन की क्यों ज्यादा हाई है, क्योंकि बेटा देखो फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन की सबसे कम लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, यानी कि थोड़ी एनर्जी देते ही ये तुरंत टूट जाता है, तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट अगर बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनकी भी लो ही होती है, बट अगर हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की कंपेयर में बात करें तो इंटर हेलोजन कंपाउंड की इनसे भी, इन तीनों से भी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका क्या है, दो टाइप के हेलोजन, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन, दो टाइप के हेलोजन आपके आपस में बॉन्ड होके इंटर हेलोजन बना है, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बनते टाइम जो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई है वो अलग अलग दोनों हेलोजन के बॉन्ड ऑर्बिटल होंगे, इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे होंगे, तो यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बॉन्ड की ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है, दो डिफरेंट हेलोजन के बॉन्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने से बॉन्ड बना है, बट यहाँ पे आपका क्या है, सेम हेलोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, यहाँ पे आपके सेम हेलोजन्स के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू सेम ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ सेम हेलोजन, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट आपकी एक प्रॉपर्टी और बचती है, दैट इज योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, और वो एक केमिकल रिएक्शन ही मान लो उसको, दैट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो,
तो आपका जो एक्स डैश है, जो स्मॉल एटम है, जो स्मॉलर हेलोजन एटम है, ये हमेशा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके एच एक्स डैश बनाता है, यानी कि आपका बनाता है हेलिक एसिड। ठीक है, जैसे एच एफ एच सी एल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका एच बी आर, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं एच आई, ठीक है, इस टाइप के आपके कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो ओ एच बचा वो इस एक्स के साथ कंबाइन होता है, एच ओ एक्स बनाता है, ठीक है, तो ये आपका साइड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हर एक केस में यहाँ एक्स एक्स डैश लिया मैंने, अगर यहाँ पे आपका एक्स एक्स डैश थ्री हो तो आपका हेलिक एसिड तो बनेगा ही कॉमनली, बट यहाँ पे जो आपका एच ओ एक्स वाला कंपाउंड बना है ये थोड़ा चेंज होता रहेगा। जैसे अगर आपने एक्स एक्स डैश लिया है तो आपका क्या बनेगा, एच ओ एक्स बनेगा। ठीक है, आपने अगर एक्स एक्स डैश थ्री लिया है तो आपका एच ओ एक्स ओ बनेगा। ठीक है, अगर आपने एक्स एक्स डैश फाइव लिया है तो आपका एच ओ एक्स ओ टू बनेगा। ठीक है, आपने एक्स एक्स डैश सेवन लिया है तो आपका बनेगा एच ओ एक्स ओ थ्री। ठीक है, इनके नाम भी है, ये आपका हाइपोहेलस है, इसको हम हाइपोहेलस बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हेलस बोलते हैं, इसको हम हेलिक बोलते हैं, और इसको हम पर हेलिक एसिड बोलते हैं, पर हेलिक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो यहां पे आपका ग्रुप 17 खत्म होता है। इसमें इंटर हेलोजन में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से इंटर हेलोजन बनते हैं, दूसरी इनकी रिएक्टिविटी, और तीसरा यहां से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज द शेप एंड द ज्योमेट्री, जो आपकी शेप और ज्योमेट्री मैंने बताई थी, उसको निकालने की ट्रिक बताई थी, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।